2013 में आई मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म क्रिश 3 तो आपने देखी होगी, जो इंडियन सिनेमा की एक ऐसी साइंस फिक्शन मूवी है जिसके कई सीन हॉलीवुड मूवी की तरह बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं। आपको बता दें, इस फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन है, जिन्होंने फिल्म में 3 कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर है इस फिल्म का सुपर हीरो क्रिश, दूसरा कैरेक्टर है रोहित मेहरा जो कि एक रिसर्चर है, और तीसरा कैरेक्टर है कृष्णा जो एक आम आदमी की तरह रहता है। इन तीनों कैरेक्टर्स में से ऋतिक रोशन के लिए सबसे हार्ड कैरेक्टर था रोहित मेहरा का, क्योंकि रोहित मेहरा बनने के लिए उन्हें 3 से 4 घंटे लगते थे और उसके बाद उन्हें काफी अजीब तरह की एक्टिंग करनी पड़ती थी। इस कैरेक्टर को प्ले करना उनके लिए हार्ड तो रहा है, लेकिन उनकी इसी मेहनत की वजह से फिल्म में रोहित मेहरा का कैरेक्टर काफी अच्छा और रियलिस्टिक दिखता है। अब बात करते हैं फिल्म के कुछ कमाल के बिहाइंड द सीन्स की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जब क्रिश आसमान में उड़ता है तो उस सीन को शूट करने के लिए ऋतिक रोशन को कुछ ऐसे रस्सियों की मदद से उड़ाया जाता है और पीछे ब्लू बैकग्राउंड लगाया जाता है ताकि एडिटिंग के टाइम पीछे के सीन को आसानी से चेंज किया जा सके। अब इस फिल्म का आपने ये कमाल का सीन तो देखा ही होगा, जिसमें एक बड़ी बिल्डिंग का टुकड़ा नीचे गिरने लगता है और तभी क्रिश उस टुकड़े को गिरने से रोकने लगता है, और आप बिहाइंड द सीन में देख ही सकते हो कि इस सीन को भी शूट करने के लिए ग्रीन बैकग्राउंड का यूज किया गया है, जिसके बाद ग्रीन बैकग्राउंड को हटाकर VFX की मदद से इस सीन को कुछ ऐसा बना दिया गया, और आप देख ही सकते हैं कि ये सीन देखने में कितना रियलिस्टिक लग रहा है। आपको बता दें, इस मूवी के सीन्स को शूट करने से पहले उनका प्री विजुअलाइजेशन किया गया था ताकि पता चल सके कि सीन को कैसे शूट किया जाएगा। अब मूवी में आपने क्रिश और काल का फाइट सीन तो देखा ही होगा, जिस सीन में काफी ज्यादा तोड़ फोड़ देखने को मिलती है। अब वैसे तो ये सीन भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, लेकिन इस सीन को भी कुछ ऐसे ही ग्रीन स्क्रीन पर शूट करने के बाद में ऐसा बनाया गया है, जैसे कि आप इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देख ही सकते हैं। ये सीन जब का है जब क्रिश अपनी फैमिली को काया और न्यूटेंट से बचाने आता है और उसके साथ सब न्यूटेंट फाइट करने लगते हैं। उसी सीन में एक न्यूटेंट क्रिश के ऊपर पेड़ की हेल्प से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन न्यूटेंट जिन पेड़ों से हमला करता है वो कोई पेड़ नहीं बल्कि 2 ब्लू कलर के कार्डबोर्ड होते हैं, जिन्हें बाद में 2 पेड़ों से रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे कि आप इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देख ही सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं वो सीन जिसमें क्रिश पहले तो बिल्डिंग पर जंप करता हुआ आता है और फिर लोगों को बचाने के लिए एयरप्लेन को सेफली लैंड कराता है, और इस सीन को शूट करने के लिए भी ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है और जिन बिल्डिंग पर क्रिश जंप करता है उन्हें CGI की मदद से बनाया गया है। इसी के बाद एयरप्लेन वाला डेंजरस सीन शूट करने के लिए भी कुछ ऐसे ही ग्रीन स्क्रीन और VFX का यूज किया गया है, जैसे कि आप इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देख ही सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी में और भी बहुत सारे कमाल के सीन्स हैं, तो अगर आप उनके भी बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।